हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। यूपी के बुलंदशहर में सीएए के विरोध में 20 दिसंबर को जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा के दौरान बलवाइयों द्वारा पुलिस से लूटी गई एंटी राइट गन को पुलिस ने सिकंदराबाद से बरामद किया है। आपको बता दें कि हिंसा में जहां बवालियों ने एक सरकारी जीप को फूंक डाला था, तो वहीं पुलिस के एक जवान से एंटी राइट गन भी लूट ली गई थी। पुलिस ने हिंसा के 2.5 महीने बाद लूटी गई एंटी राइट गन को सिकंदराबाद के एक युवक के कब्जे से बरामद की है, जबकि पुलिस ने आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरों में दिख रही ये वही एंटी राइट गन है जिसे बवालियों ने 20 दिसंबर को बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के ऊपर कोट में हुई हिंसा के दौरान लूट लिया था। लूटी हुई गन के साथ पुलिस ने एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी दावा कर रहे हैं कि ये एंटी राइट गन सिकंदराबाद के गद्दीवाड़ा निवासी युवक के कब्जे से ही बरामद की गई है। ये 20 दिसंबर को थाना कोतवाली नगर बुलंदशहर एक सीएए के विरोध में जमावड़ा इकट्ठा हुआ था, बाद में हिंसात्मक गतिविधि पे आमादा हो गया था। उसमें पुलिस की एक गाड़ी जला दी गई थी और उसी गाड़ी में एक एंटी राइट गन पड़ी हुई थी जिसको अपराधियों ने लूट लिया था। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे, तमाम सीसीटीवी कैमरों की मदद से शिनाख्त का प्रयास किया गया, अन्य स्रोतों से भी सूचनाएं संकलित की गई और बीती रात सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में दानिश पुत्र रईस है उसके कब्जे से वो एंटी राइट गन बरामद की गई। क्या सर आरोपी भी पकड़ लिया है कल? हाँ, आरोपी पकड़ लिया गया है और उसको नियमानुसार जेल भेजा जा रहा है और उसके विरुद्ध जो अधिकतम कार्रवाई हो सकती है वो हम सुनिश्चित करेंगे। आपको बता दें कि सीएए के विरोध में बीते 20 दिसंबर को बुलंदशहर का ऊपर कोट इलाका भी हिंसा की आग में जला था। बवालियों ने जहां सरकारी गैर सरकारी वाहनों को आग के हवाले कर दिया था, तो वहीं हिंसा में ही पुलिस के एक जवान से एंटी राइट गन भी लूटी गई थी। पुलिस का दावा है कि सिकंदराबाद निवासी युवक को गन के साथ गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस अधिकारी अब ये पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर जिस युवक के पास से ये लूटी हुई गन बरामद हुई है उसकी हिंसा में क्या भूमिका थी। ब्यूरो चीफ आलम सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज। Time 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।